एक महीने के भी अंदर मेरे दोनों सॉन्ग शूट हो गए थे, तो एकदम ऐसा हुआ जैसे सब कुछ पहले से प्लान था। पर इतनी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा आप कैसे बने? हाउ यू बिकम पार्ट ऑफ दिस? एक्चुअली क्रेडिट गोज टू हरमन बवेजा, हरमन भैया, उन्होंने मेरे सॉन्ग सुने और उनको मैं पहले से जानता था। मैंने एक फिल्म में एक्टिंग की थी कॉल खेले हम जिजान से, और उस फिल्म के वो प्रीमियर में मिले थे मुझसे, और वहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स बन गए ऑफकोर्स। और फिर उन्होंने मेरे सॉन्ग सुने और उनको बहुत अच्छा लगे, देन वो शिल्पा दी के पास गए, शिल्पा शेट्टी जी के पास, और उन्होंने सॉन्ग सुनाए उनको, और देन उसके बाद बोला कि ये जिस सॉन्ग जिसने कंपोज किया है वो 18 ईयर ओल्ड है। तो शिल्पा दी भी शॉक में थी और ऐसे मुझे फिल्म में। पर एक्चुअली बहुत एक महीने के भी अंदर मेरे दोनों सॉन्ग शूट हो गए थे, तो एकदम ऐसा हुआ जैसे सब कुछ पहले से प्लान था। पहला जो सॉन्ग था वो ऐसा ब्रेव था कि एक थोड़ी मुश्किल सी सिचुएशन थी कि दो कैरेक्टर हैं, हीरोइन और एक्ट्रेस ऑफकोर्स, वो लोग सिर्फ आँखों से बात कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट से, और जो पीछे जो सॉन्ग बजेगा वो पूरा उसको एक्सप्लेन करता है। और जब भी सॉन्ग कंपोज हुआ, तू ही आशिकी, तू ही हमारी, तू ही है जिंदगी, तू ही चूदा, हाँ मैं बचपन से ही चाहता था म्यूज़िक में कुछ करना, ये मेरा पूरा श्योर नहीं था कि मेरे को म्यूज़िक कंपोज़र ही बनना है, लेकिन आई जस्ट स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूज़िक एंड लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। तो म्यूज़िक पलक से कितना इन्फ्लुएंस है? बहुत ज़्यादा, शी इज़ अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, और मेरी बहुत हेल्प करती है वो। जब भी मैं कोई सॉन्ग बनाता हूँ तो सबसे पहला जो स्क्रैच बनता है वो मैं पलक दी को ही सुनाता हूँ, वो बताती है अच्छा है या नहीं, इट विल वर्क और नॉट, सो इट्स अ रियली मैटर टू मी। एक्चुअली मैं उस टाइम दुबई में था विद माई फैमिली, 18th बर्थडे था मेरा, वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा था मैं, और जब हरमन भाई का कॉल आया कि डूड यू हैव टू कट योर शेड्यूल एंड हैव टू कम बैक फॉर आवर मूवी कॉल्ड इश्क एंड यू आर म्यूजिक कंपोजर इन आवर फिल्म, सो मैं तो पहले शॉक था, अरे ये सब कुछ क्या हो गया। जब मैंने पलक को बताया तो शी स्टार्टेड क्राइंग, सो इट वॉज अ लिटिल बिट इमोशनल मोमेंट। ओके, नहीं एक्चुअली जब ये सॉन्ग कंपोज हुआ था तो पहले ही आ गया था माइंड में कि दो लोग जस्टिस कर सकते हैं सॉन्ग के साथ, वन इज़ अरिजीत सिंह एंड सेकंड इज़ पलक मुछाल, जो कि बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हम लोगों ने प्लान किया था। बहुत ही बेस्ट दिया उन दोनों ने इस सॉन्ग में, और हियर द रिजल्ट्स। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था ऑफकोर्स मेरे लिए कि मैं मेरी सिस्टर को ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, और पर हम लोग स्टूडियो में एकदम फैमिली टाइप्स नहीं थे, जब जितने भी टेक्स लेने थे पलक दी ने दिए, ऐसा नहीं कि नहीं यार छोड़ना अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम प्रोफेशनल हम लोग थे, और जितनी बार टेक्स बोलो उतनी बार दिया। अरिजीत सिंह के साथ भी ऐसे रहा, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे वो, और इट वाज रियली रियली अमेजिंग टाइम। वेल जब भी अगर कोई ऐसा पार्टी सॉन्ग बनता है तो सबसे पहले मिक्का सिंह ही आते हैं, क्योंकि इज़ द किंग नाउ, और वो हिट मशीन है मेरी तरफ से, उन्होंने एक नाम दिया मैंने कि उनको वो हिट मशीन है, सॉन्ग की हिट मशीन, अगर वो उनकी वॉइस आ जाए तो सॉन्ग टच वुड हिट होना ही है। तो जब मिक्का सिंह से गवाया बहुत मजा आया, और सॉन्ग का नाम है नचली तू, और डिश्क्या फिल्म के सॉन्ग है, और ये क्लब सॉन्ग है। ओके, यहाँ पे भी पलक है, ये भी जहन में था कि आपको पलक ही चाहिए इस गाने के लिए, दिस इज जिस तरह के गाने अमूमन गाते हैं। हाँ एक्चुअली हमको एक फीमेल वॉइस चाहिए थी, और ऑन द स्पॉट डिसाइड किया था हम लोग जब मिक्का सिंह को डब करे थे कि हम लोग फीमेल वॉइस चाहिए, तो आई कॉल पलक दी कि आ जा कि ट्राई करते हैं कैसा जाता है, ये लगता है कि नहीं एक्सपेरिमेंट। और पलक दी ने गाया और बहुत अच्छा गाया, और फर्स्ट टाइम ऐसा उसने कमर्शियल सॉन्ग गाया आफ्टर जय हो, तो बहुत अच्छा लगा। ओके, पलक जिस तरह का रिस्पांस म्यूजिक को मिल रहा है क्या कहना चाहेंगे आप? लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा मिल रहा है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुबई से भी बहुत फोन कॉल्स आ रहे, बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे कि आई एम लविंग योर सॉन्ग एंड ऑल, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही आप प्यार मुझे देते रहे, ये आई वॉन्ट। ओके, पलाश आज जिस मकाम पे आप हैं, नो द वेरी फर्स्ट फिल्म विद शिल्पा शेट्टी प्रोडक्शन, किसी को थैंक्स करना चाहें तो किसको करेंगे? हरमन बबीता, बिकॉज हम लोग फ्रेंड्स मिले थे और फर्स्ट फिल्म उनकी तरफ उनकी वजह से ही मिली है मुझे, तो हरमन भैया, देन शिल्पा शेट्टी एंड देन पलक दी, बिकॉज वो हर टाइम मेरे साथ थी, क्योंकि उसको पहले से वो एक्सपीरियंस था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और मैं अभी आया तो उसने मुझे बहुत हेल्प की। Okay, but do you agree this it will be a turning point in your career? This is the very first film with Shilpa Shetty production, you know? हाँ, मुझे फर्स्ट फिल्म जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेक मिला है, आई पर्सनली थिंक दैट। और उसके बाद भूतनाथ रिटर्न्स भी आ गई जिसमें पार्टी तो बनती सॉन्ग मेरा है, तो एकदम से ड्रीम कम ट्रू हो गया। बचपन से मैं जिसे जिन एक्टर को देखते आया हूँ, अमिताभ बच्चन जी, द लिविंग लेजेंड, उनके ऊपर मेरा सॉन्ग है, तो एकदम सपने जैसा सब कुछ हो रहा है, तो I think I'm really blessed. Okay, apart from this, very, you know, I hope you take it on a positive note. The question is a little tricky. अमूमन लोग कहते हैं कि you know, 18 साल की उम्र और आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। भूतनाथ में तो मुझे मालूम नहीं how you came on board.
लेकिन एज यू सेड कि हरमन बवेजा द पार्ट ऑफ इट जैसे इतनी उन्होंने डिश किया हूं हम बोलते हैं कि यार ये पलक मुच्छल का भाई है तो मिल गया होगा काम उनके रिलेशन होंगे इतने सालों से काम कर रही है इतनी वेल नोन सिंगर हैं लोगों ने जानते हैं आप इस तरह के सवालों से रूबरू हो तो क्या कहना चाहेंगे वेल डिपेंड्स जैसा कि फर्स्ट फिल्म तो हरमन बवेजा से मिली है और सेकेंड फिल्म जैसे ही मैंने एक सॉन्ग कंपोज किया था पार्टी तो बनती है आई कॉल डायरेक्टली भूषण कुमार सर और उनको सॉन्ग सुनाया उन्होंने बोला ये श्योर हिट है और फर्स्ट सॉन्ग में उन्होंने सॉन्ग लॉक कर दिया उसके बाद जितनी भी फिल्म मिल रही है मुझे डायरेक्टली मिल रही है हालांकि हाँ पलक दी ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में और एक मेरा प्लस पॉइंट हो जाता है कि यार शी इज़ अ सिस्टर ऑफ मी माइंड तो प्लस पॉइंट है बल्कि क्रेडिट गोज़ टू जहाँ की जो फिल्म मिली है फर्स्ट फिल्म वो तो हरमन बवेजा की तरफ से मिली है और सेकंड फिल्म भूषण कुमार जो टी सीरीज के ओनर है उनकी वजह से मिली है।